BTS News Managing Director Mohammed Taufi. आज हैदराबाद हज हाउस में ऑल इंडिया सोशल वर्कर्स की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस के मुनक्किद करने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान भर के जो गैर समाजी गैर सरकारी तंजीमें जो काम कर रही हैं, उन तमाम गैर सरकारी तंजीमों को टीम एनजीओज के प्लेटफॉर्म पे जमा किया गया। और जमा करने के बाद अलग अलग सेक्टर्स में जो एनजीओज काम कर रही हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर में, लीगल सेक्टर में, एनवायरमेंटल सेक्टर में, कोई खाना खिला रहा है, कोई सेहत के लिए काम कर रहा है, तो उन तमाम तर लोगों को बुलाया गया। आज दिन भर की कॉन्फ्रेंस रही, उसके अंदर ये सब्जेक्ट पे डिस्कशन किए गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आए और उस पर बात की गई। और आज बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब, हज कमेटी चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह साहब और फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन साहब, मौलाना हसन फारूकी साहब और दीगर हमारे अहबाब की जानिब से उन तमाम हिंदुस्तान से आए हुए तकरीबन 70 NGOs को सोशल हीरोज अवार्ड दिया गया उनकी अपनी खिदमात के लिए। क्योंकि लोग हीरो को, जो फिल्म में काम करता है, उसे समझते हैं, अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जबकि वो पैसा लेके काम करता है, लेकिन समाज के लिए काम करने वाला फ्री में काम करता है, वो रियल में सोशल हीरो है। ये हीरो है जो कि रोल मॉडल बनना चाहिए, फिल्मों के हीरो रोल मॉडल की ज़रूरत नहीं है, सोशल हीरोज की। लिहाजा हमने इस सोशल हीरोज को हर साल हम उन्हें एजाज़ देते हैं। इस साल भी आज हज हाउस पे हमने तकरीबन 70 ऑर्गेनाइजेशन को, सोशल वर्कर्स को उनका एजाज़ किया, उन्हें सोशल हीरो अवार्ड से नवाजा गया। शुक्रिया। मैं मोहम्मद अब्दुल वहीद, फाउंडर ऑफ सनशाइन फाउंडेशन। आज जो ऑल इंडिया सोशल वर्कर कॉन्फ्रेंस हज हाउस में हुआ है, मैं तमाम जो सोशल वर्कर्स जो है सोशल हीरोज़ के अवार्ड के हकदार अब हुए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र इलिया शमसी साहब का शुक्र अदा करते हुए मैं उनके ऊपर एक शायरी बोलकर इस बात को ख़त्म करता हूं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए ऐ दिल ज़माने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं जानकारी मिला टीम एनजीओ की तरफ से जो सालाना जो हुआ प्रोग्राम होता है, आज 136 NGOs आए पूरा, और आने के बाद से पूरे जो अवार्ड्स हुआ, प्रोग्राम हुआ और अच्छा सक्सेसफुल हुआ, और सब जो लोग मेहमान आए उनका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और हमारे फाउंडर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। अल्लाह सैयद समी, प्रेसिडेंट ऑफ सनशाइन फाउंडेशन भादरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल हीरोज़ अवार्ड था, जितने भी सारे हमारे NGOs है जो काम करते हैं टीम बकरीद के लिए, और जितने भी हमारे NGOs है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग आए, आज अवार्ड्स दिए गए उन लोग को सोशल हीरोज़ की तरफ, और हमारे सोशल एक्टिविस्ट को भी अवार्ड दिया गया है। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट इलिया शमशी साहब, कन्वेनर जो है हमारे साबिर यमनी साहब और दीगर अफराद भी मौजूद थे यहाँ पे, कुछ हमारे बड़े बड़े लोग भी आए थे VIP, उन लोग के हाथों अवार्ड दिया गया। शुक्रिया, जजाक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज यहाँ पर हज हाउस में टीम NGOs इंडिया की जानिब से जो सालाना अवार्ड प्रोग्राम किया जाता है वो आज किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 सालों की मेहनत से टीम बकरीद का जो आज जो सालाना प्रोग्राम किया गया है, बड़ा ही शानदार किया गया है। मैं तमाम जो आज जो शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और हमारे फाउंडर का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सबको बुलाकर यहाँ पर अवार्डों से नवाजा है। मैं इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि हम और हर साल बेहतर से बेहतर प्रोग्राम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ हज हाउस नामपल्ली पे टीम NGOs की तरफ से ऑल इंडिया सोशल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस था, जिसमें सुबह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से सोशल वर्कर्स आए, और साथ ही साथ सोशल हीरोज अवार्ड का भी अवार्ड फंक्शन भी था, जिसमें टीम बकरीद और जो साल भर फील्ड में जो सोशल वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए अवार्ड फंक्शन और साथ ही साथ सोशल वर्कर कॉन्फ्रेंस था हज हाउस में टीम NGOs इंडिया की तरफ से, जिसके ज़ेर सदारत लिया शमसी साहब थे और बाकी टीम NGOs इंडिया के मेंबर्स थे। इसमें मेहमान खुसूसी बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, हज कमेटी चेयरमैन मैं मौलाना रियाजुद्दीन नक्शबंदी, खादिम चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद। आज बड़ी मसरत और ख़ुशी की बात है कि यहाँ पर हज हाउस में रज़ाक मंजिल में अल्हम्दुलिल्लाह 135 NGO जो जनाब इलिया शमसी साहब के मातहत और उनके अंडर में रहकर सबको मिलकर आज एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें हैदराबाद, दक्कन, तेलंगाना और दूसरे स्टेट्स, महाराष्ट्र, चेन्नई, यहाँ से दूसरे स्टेटों से भी यहाँ पर NGOs के लोग जुड़े और उन लोगों को सही माने में जो खिदमत अंजाम दे रहे थे उनको यहाँ पर जो है इनामात का हकदार बनाया गया और उनको इनाम के लिए चुना गया। ऐसे ही हमारे साथ
جو بھی فاؤنڈیشن والے ہیں یا ٹرسٹ والے ہیں یا این جی او والے ہیں وہ جڑ سکتے ہیں اور ٹیم این جی او کا ساتھ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. میں بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب الیاس شمسی صاحب کو کہ الحمدللہ یہ بہترین پروگرام جو ہے منعقد کیا گیا, اس پر سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا جی. السلام علیکم, میں ممبئی چشتی فاؤنڈیشن اجمیر شریف جانب سے فیسٹیول ڈائریکٹر یہاں پر تشریف لایا, خصوصاً مولانا ریاض الدین کے انویٹیشن پر اور جو ریکمنڈیشن اور ہمارا نامینیشن ہوا تھا وسیم اللہ صاحب کی طرف سے, اس لیے ہم یہاں پر تشریف لائے اجمیر شریف کی جانب سے. اور ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور بہت یونیک کام ہے کہ سارے این جی او کو ایک ساتھ جوڑ کر این جی او کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر کام کرنا ایک یونیک کام ہے. بہت اچھا سر الیاس شمسی صاحب کو اللہ اس سے اور اچھا بڑھ کر کام کرنے کی توفیق دے. میرے بھائی میرے بہنوں سب کو سلام, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے الیاس شمسی صاحب آگے کا کانفرنس جو لگا ہے میں تشریف کہہ رہا ہوں اس کو مبارکباد دیتے ہوئے, کیونکہ ہر سال یہ پروگرام بناتے ہیں اور ایسے لوگ کو کر رہے ہیں آپ نے تلنگانہ اسٹیٹ میں بھی اور ہمارے سے بھی اور ہماری گورنمنٹ سے بھی جو بھی مدد ہے بار بار آپ کو ہماری سپورٹ نہیں ملی اور اللہ چاہے تو حکومت
जो भाई भी है उम्र भाई इस तरह की एसोसिएशन से उन्होंने हजारी भी दोस्त करके कार बैठ करके हमेशा यहाँ पर जितने आगे जो काम कर रहे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखे उसे उन्होंने दावा दी और हम भी इस तरह की होंगे मीडिया से जिस तरह हम बात करें बात हमारे मिनिस्टर मिनिस्टर कुलेश्वर साहब जिनके आज की तरह की वजह से उन्होंने की काम संस्थित दरभंगे में बिजी रह चुके हैं उसी तरह आज मैं यहाँ पर खासतौर पर एक मिनट ठहरिए ठहरिए राइट थैंक यू हिंदुस्तान भर की एनजीओ जुड़ी हुई है। दरअसल ये स्पोर्ट्स क्लब हम क्यों खोलना चाहते हैं?